तो भाई ये देखो हमारी ऑटो फंस चुकी है पानी के अंदर। भाई ये मुंबई का हाल है और ये हमारे राहुल जी। ओ भाई, तो भाई ऑटो फंस गया पानी के अंदर। ये नवी मुंबई का हाल है। चाहिए आप 5-स्टार होटल में जा रहे हो, पर इतने बुरे तरीके से ऑटो फंस गई खड्डे के अंदर और इतना पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। हाँ क्या सनी भाई, जय बोले बाबा, जय भोलेनाथ राहुल जी। तो भाई ये राहुल जी आज ही आए हैं हमारे पास और आते ही करते स्वागत। देखो भाई भाई ये पता नहीं इतनी इतना बड़ा खट्टा क्यों बना रखा है। हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं भाई अपने होटल रूम में और आज भाई मेरे साथ भानु भी आ गया है। लॉन्ग टाइम आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, क्योंकि भाई मेरे पास से बाहर था और मेरे साथ में सन्नी भाई भी। तो भाई भानु से लगभग 3 महीने बाद मिले हैं। तो ये था इतने दिन तक सूरत और अभी मुंबई पहुंचा है। तो अभी हम पहुंचे होटल के अंदर। तो भाई आज की रात हम करने वाले हैं इंजॉय, क्योंकि भाई अभी हम ठहरे हैं होटल ट्राइडेंट के अंदर बैंड्रा कुर्ला वाले में। तो सनी भाई, हर महादेव, हर हर महादेव, क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार है, नेक विचार है। तो भाई आप देख सकते हैं ये है हमारे नहाने का जुगाड़ और यहाँ पे कर्टन नहीं है, मतलब आप बाहर बैठे होंगे, अंदर कौन बंदा नहा रहा होगा। तो भाई इनका एक महान काम ये भी है ना कि जो कर्टन इन्होंने लगा रखा है बाहर वाली साइड में है। तो ये सब कुछ भाई बाहर से क्या बात है। और ये रूम का नजारा वैसा तो बहुत बढ़िया है, ये आपको मैं सुबह दिखाऊं क्योंकि अभी काफी रात हो चुकी है। बाहर का भी जो नजारा है, ये पूल व्यू है। तो भाई अभी तो कुछ नहीं दिखने वाला लेकिन सुबह मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो भाई अभी अभी तो हम आए हैं गोरेगांव से, तो थोड़ी देर आराम करते हैं और उसके बाद हम निकलेंगे धूम मचाने के लिए। धूम मचा ले। होटल की एक खास बात और भी है, रोज सुबह हमें 2 फ्रूट मिलते हैं। तो भाई ये मेरा फेवरेट होटल है वैसे तो, क्योंकि बहुत बार मैं इसमें ठहर चुका हूँ। तो अभी इसमें के अंदर एक बची, क्योंकि उससे पहले मुझे लगता है भानु खा चुका है। तो अब ये खाता हूँ मैं। और सनी भाई जी,